दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से शहर कौन कौन से जोन में आ रहे हैं, और मैंने ये भी बता दिया था कि कौन कौन सी छूट इन जोन में मिलेंगी। उसके बाद बहुत सारे कमेंट ऐसे आए लोगों के कि जिसने पूछा जा रहा था कि मंदिर मस्जिद खुलेंगे, गुरुद्वारे खुलेंगे, या बहुत सारे कमेंट लोगों के ये थे कि बाइक कार का क्या होगा, कौन से जोन में बाइक कार चलाने की इजाज़त है, कौन से में नहीं है। तो देखिए मैं कुछ बातें जो ग्रीन जोन की हैं, बाकी तो रेड और ऑरेंज जोन में तो ज़्यादा कुछ खास सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो अभी चल रही हैं ऐसे ही कुछ आगे पीछे करके थोड़ी सुविधाएं कर दी हैं, लेकिन ग्रीन जोन वालों को जो है कुछ अच्छी सुविधाएं दी हैं। देखिए ग्रीन जोन वालों को जो सुविधाएं मिली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर जो है सारी दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा आप टैक्सी, अगर आपके पास है टैक्सी चलाते हैं तो आप एक ड्राइवर और एक पैसेंजर टैक्सी में बैठकर अपनी कैब चला सकते हैं। इसके अलावा निजी कार जो है आपके पास, आपकी अपनी कार, उसमें एक ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर बैठकर आप जा सकते हैं अपनी कार में। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर भी अब दो लोग बैठकर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि मास्क लगाकर ही निकलें। पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के निकलने की इजाज़त अभी भी नहीं है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। इससे एक बात साफ हो गई कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त अभी भी नहीं मिलेगी, अभी भी सिर्फ 5 लोग ही मस्जिद में जा पाएंगे। इसके अलावा शादियों में 50 से ज़्यादा मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपकी यहाँ शादी है 17 तारीख से पहले पहले तो 50 से ज़्यादा मेहमान आप नहीं बुला सकते। मुसलमानों के तो रमज़ान चल रहे हैं, मुसलमानों में तो शायद अभी शादी होगी नहीं, जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों में अगर शादी है तो 50 से ज़्यादा मेहमानों की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकना ये बिल्कुल पहले की तरह पाबंदी है, इस पर आप बिल्कुल भी पब्लिक प्लेस में नहीं थूक सकते। और वही लास्ट शराब पान की दुकानें, शराबियों के तो मज़े आ गए भाई इस बार, ये तो खुलेंगे लेकिन 2 गज की दूरी से, आपको 2 गज की दूरी से ही शराब लेना पड़ेगी। क्यों खोल दी शराब की दुकानें पता नहीं भैया। तो यही था कुछ ग्रीन जोन का चोल मोल। तो अब आप लोगों को करना यह है कि आप अगर रेड जोन या ऑरेंज जोन में हैं तो अपने इलाके को ग्रीन जोन में लाने की कोशिश करें 17 तारीख के बाद। दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला पूरा भारत ग्रीन हो जाए।